तो कैसे आप लोग, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हम किसी भी ऐप या वेबसाइट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैसे तो बहुत ही बेसिक सेटिंग है, लेकिन काफी लोगों को ये पता नहीं होती। तो ऐप और वेबसाइट का पासवर्ड पता करने के लिए ये आपके जो आगे मैं सेटिंग बताऊंगा उसमें सेव जरूर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये सब, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए अबाउट पेज में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ड्रीम इलेवन या फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, जिसमें आपको दो टेलीग्राम चैनल की लिंक्स मिलेंगी, पहली टेक्नोलॉजी वाले की और दूसरी फैंटेसी क्रिकेट वाले की। फैंटेसी क्रिकेट वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आप मुझे अबाउट पेज से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम और आप ड्रीम इलेवन से फैंटेसी क्रिकेट खेल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, किसी भी ऐप या वेबसाइट का पासवर्ड पता करने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा जीमेल में। वैसे जीमेल में भी आप जाएं या सेटिंग में जाकर, गूगल में जाकर भी ये सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल आसानी के लिए जीमेल में दिखाऊंगा। तो जीमेल में चलेंगे, तो जीमेल में जाएंगे। जीमेल में आने के बाद हमें आना है यहाँ पर साइन डिजन जो बोल रहा है इस वाले में। उसके बाद हम चलेंगे गूगल अकाउंट में। इसमें आने के बाद हम चलेंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ पे चलेंगे पासवर्ड मैनेजर। इसमें आने के बाद हमें सारे वो पासवर्ड मिलेंगे जो हमने यहाँ सेव कर रखे हैं। इस सेटिंग को नीचे ना ये सर्च कर सकते हैं आप किसी स्पेसिफिक ऐप को, और आगे चलेंगे यहाँ से डायरेक्टली आप ऐड पासवर्ड ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पासवर्ड याद है और आप डायरेक्टली यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ से ऐप या वेबसाइट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये airtel.in यानी एयरटेल की वेबसाइट है, तो इसका पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ है। फिलहाल मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ इसका पासवर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्रीन लॉक मांगेगा ये, जो कि हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करेंगे, और ये खुल चुका है। अब ये देखिए, ये यूजर नेम है, बहुत बड़ा है। यहाँ से यूजर नेम कॉपी कर सकते हैं आप, इसको नीचे देंगे, साइलेंट बटन है। रिवील पासवर्ड रिवील कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि शो करने लगेगा एकदम स्क्रीन पे। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं आप पासवर्ड को, हम कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट करके आपको दिखाएंगे। कॉपी मैंने क्लिक किया और ये कॉपी हो गया है। तो हम नोटपैड में चलेंगे। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ नोट पहले ही क्रिएट किया हुआ था, इस पे क्रिएट नोट पे आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ये है हमारा अलोहा वॉइस चैट का पासवर्ड, जो कि बहुत ही अजीब है। ये मैंने 2-3 साल पहले क्रिएट किया था, तो प्लीज़ कोई ये ना कहे कि इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे
क्रिएट किया, ये रैंडमली उसने ले लिया था, ये मैंने क्रिएट नहीं किया था। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप या वेबसाइट का पासवर्ड जान सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों को ये सेटिंग पता नहीं होती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ड्रीम इलेवन या फैंटेसी क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। दो टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे, एक टेक्नोलॉजी वाला और एक ड्रीम इलेवन वाला, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जैसे ही आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे आप मुझे मेरे चैट पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करके बता दीजिएगा, और उसके बाद हम और आप साथ में फैंटेसी क्रिकेट खेलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।